अमेरिका के दक्षिणी द्वीप के वीरान टापुओं में आधुनिक विज्ञान का एक खतरनाक परीक्षण चल रहा था। क्या बात करते हो एलन, मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की पर तुमने सुना ही नहीं, हकीकत से मुंह मोड़ लिया, कभी सुना ही नहीं। उस गलत परीक्षण का फल सामने आ गया। भयंकर धमाके के साथ विस्फोट हुआ और पृथ्वी पर भूकंप आ गया। मुबारक हो, आखिरकार तुमने इस संसार को ध्वंस करने की ठान ली। अब सिर्फ एक ही रास्ता इनसे बचने का। तो तुम करना क्या चाहते हो? नदी की सतह पर जहां प्रकृति हिचकोले खा रही थी। कौन है वो लोग? गुडमैन के लोग हैं। पांच चार दो एक। ये है यंत्र का जनरेटर। जब उनका उद्देश्य का गार पे आकर दम तोड़ता है तो समय उसका जवाब देता है। सब लोग साइंडर्स वगैरह लगा दो ठीक करने के लिए। मैं चाहता हूं कि वो यान यहां से हटा दिया जाए। यान के ऊपरी हिस्से में। सब कंट्रोल में बैठो, मैं जाकर देखता हूं। सिर्फ एक रास्ता है न्यूक्लियर धमाके से अपने आप को दूर रखने का। तुमने बताया तक नहीं। हम इसे लावा की सतह तक ले चलते हैं। प्रभु बचा ले। मशीन में कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं, वो बराबर काम कर रहा है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है मेरी। हम लोग गहराई तक तेल और धातुओं की खोज में नमूने के अनुसार। वो सब तो ठीक है पर हम लोग हद से आगे बढ़ रहे हैं। मैं चेतावनी देता हूं, अगर हम गहराई तक गए तो फल उल्टा हो जाएगा। धन्यवाद टिप्स के लिए, मैं देखूंगा वो ज्यादा गहराई तक न जाए। तुम्हें कैसे पता लगेगा? वो मेरा काम है। ठीक है, भरोसा रखो मुझ पर। अच्छा काम हुआ। कौन बोल रहा है? मैं हूं। मिस्टर साइमंस, शायद हम लोग रास्ता निकाल लेंगे।
कोशिश करते हैं, क्या पता। कोशिश करेंगे सनकी है, आओ चलो। इलेक्ट्रिकल हेड्स को अच्छी तरह चेक करो, 17 में कुछ प्रॉब्लम है। धन्यवाद। ये भी तो काम नहीं कर रहा। मिस्टर पो, ये है प्रयोगशाला। हमें उम्मीद है हमारा भविष्य उज्जवल हो। मिस्टर मोर से धन्यवाद। यही वो मशीन है। अच्छा, जिसमें जेंटलमैन, आप लोग जल्दी से ये इलाका छोड़ दें। ब्रायन, ये क्या कर रहे हो तुम? चलो यहां से। ओह शिट, साल के प्रयोग पर पारी फेर रहे हो। 15 साल की दोस्ती तुम्हारी मनमानी की वजह से। मैंने तुम्हें समझाया था एलन, लेकिन तुमने सुना नहीं। हकीकत में वो बोल लिया, तुम बिक गए। क्या पागल पागल, Thank you.
हमें रोज 1000 बैरल का नुकसान हो रहा है। धैर्य से काम लो, इन चीजों में ऐसा होता है। पर तुम्हारे आदमी सब पागल हैं, गलत कुओं में धमाके कर रहे हैं। बेड़े कर, बेड़े कर। हाँ, कैसा चल रहा है दोस्त? ठीक हूँ, सुना है तुम गलत कुएं में काम कर रहे हो? सच? कुछ ऐसा ही मेरी पहली पत्नी कहा करती थी। जाओ सैम से पूछ लो। चलो। हे सैम। हाँ ब्रायन, तुम तैयार हो? हाँ, पर गोंजालेस का सोचना है कि हम लोगों ने डायनामाइट गलत कुएं में लगाया है। तुम्हारी सोच क्यों है? क्योंकि वो कुआं जहाँ आग लग रही है उससे 15 मीटर दूरी पर है। कुएं में आग जल रही है? मैं तो तुम्हें बस समझा रहा हूँ। पहले तो हम डायनामाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लोग एक दिग्दर्शक कांटे का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, जो कुआं नजर आ रहा है वो कुआं नहीं, एक ड्रायर है, घुमावदार। खैर, मैं उस उल्टी खोपड़ी से मिलना चाहता हूँ जिसने वहां खोदने को कहा। वो मैं था। अच्छे सुशील बालक हो तुम, तुम्हारे इस काम से मैं बहुत सारे जोखिम भरे काम से बच गया। देखो, इस बड़े नाकाम कुएं के नीचे बड़े काम के तत्व हैं। क्यों, कैसे पता चलेगा वो वहां पर है? कोई बात नहीं, ये सारे तत्व 22 डिग्री ढलान पर से होता हुआ नीचे के उस तेल के कुएं को ढूंढ निकालता है जो इस वक्त डायबॉलिकल मैनिडोगल के मिक्सर से तेजी से काम करता हुआ खदान तक पहुंचता है, हर मंगलवार और गुरुवार को ट्रक के द्वारा डाला जाता है। और कोई सवाल? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारा निर्णय सही है? इधर आओ। अगर मैं तुम्हें ये बता दूं तो मुझसे ज्यादा पैसे तुम कमा लोगे। ठीक है, सब तैयार हो जाओ। कुएं में धमाका। ठीक है, विश्राम हो चुका है, सब काम पर लग जाओ। पेना, सिगरेट नहीं। गजब है, वो कैसे जानता है? सैम, उसकी एक कलाकारी ढूंढना मैंने छोड़ दिया है। तेजी और गहराई 60% तेजी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 62 सीढ़ियां नीचे। तुम्हारी स्थिति सही सलामत और सुरक्षित है मैक। 662 जगह काफी साफ सुथरी है। हम अभी 662 की चढ़ाई पर हैं। ओवर। नहीं नहीं, इसे संभाल कर रखो मैक, हम 5 मिनट के निर्दिष्ट लक्ष्य पर पहुंच गए। 700 700 वापस 700 डिग्री बाहरी तापमान। मैं इसे बंद कर रहा हूं। ओफो, मोरिसी को लाइन दो। क्या हुआ? बाहरी तापमान की वजह से मैक ने उसे बंद कर दिया है। क्या मुझे खुद शॉवल लेकर वहां जाकर उसे लातों से मारकर काम करवाना पड़ेगा? ये वही संभाल रहा है, ये उसकी मर्जी है। मेरी बात करो। 14 नंबर में लाइन दो। मोरे से 14 में जाइए। क्या हुआ? क्या मजाक लगा रखे हो तुम? हम लोग 700 डिग्री की लाइन के पीछे पहुंच गए हैं, सावधानी के लिए इसे बंद किया गया है। नाराज मत होइएगा सर। भूल जाइए आप लोग, वो सब दुगना तापमान झेलने के काबिल हैं। 950 उड़ रहा है। ठहरो। ये क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? हिंदी में बोलो। देखो तापमान बढ़ रहा है, बहुत गर्म हो गया, मैंने निकाल दिया। क्या हे भगवान, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मुझे बताओ। हमारा आइडिया कहाँ?
गया। हमें 5 मिनट में वहाँ पहुँचना चाहिए। वो खिसक रहा है, 1500 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर चलो। यह हमारे संसार के सबसे चालाक इंसान के नाम, और यह उनके लिए जो तुम्हारी जान खतरे में डालकर खुद अमीर बनना चाहते हो। मुझे लगता है अब हमें खुद कुछ करना चाहिए। अब हमें खुद की तेल का खदान ढूंढना चाहिए, खुद के लिए कुएं खोदने चाहिए और खुद ही अमीर बनना चाहिए। अच्छी सलाह है। मैं पैसा लगाने के लिए बैंक में फोन कर दूंगा, तुम ले लेना। हम खुद की पूंजी बचाकर इस काम में जुड़ सकते हैं। अच्छा, तुमने अपनी पिछली सैलरी से कितना रकम बचाया है? चलो आज तुम्हारी बारी है। अगर आप तुम भी आप आज का हिसाब कर दीजिए। ओह, ये हमारा छोटा सा पूंजी वाला इंसान कह रहा है हमें थोड़ा सा पैसा उधार दीजिए। ये लो रख लो। खैर, क्या पता कब हम में से किसी की कोई लॉटरी लग जाए, उस लॉटरी के लिए रख लो। चीयर्स। ए, कौन मूर्ख है? ठीक से सिर्फ पता पूछ लेना किसी से। अच्छा, लगता है तुम खो गए हो। हाँ, बात यह है कि हम लोग पता ढूंढ रहे हैं गॉडी ल्यूक डीलर क्रूसेस का। समझ गया, तुम लोग सचमुच में भटक गए हो। मैप है तुम्हारे पास? अगर हमारे पास होता तो हम नहीं खो जाते। वैसे मैंने हैरी को कहा था कि कुछ देर रुक जाओ, सही दिशा का पता लग जाएगा, पर वो नहीं रुका क्यों और हम खो गए। मैंने स्पेनिश में नहीं कहा डार्लिंग। नहीं नहीं नहीं, तुम स्पेनिश में बोलो या हिंदी में, दिशा तो सिर्फ फोटो में है। खैर, लड़िए मत आप लोग। आप 20 मील जाइए, आपको चौराहा मिलेगा। बाएं मुड़िए, पूर्व दिशा की ओर जाइए, वहां पहुंच जाएंगे। और क्या है कि तोते नहीं लगेंगे। पूर्व जहां से सूर्य निकलता है जानेमल। हाँ, मैं जानता हूँ कहाँ सूर्य निकलता है जान। सही में डार्लिंग? एकदम सही डियर। धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग हनीमून पे निकले? हाँ, आपको कैसे पता? चेहरा देखकर। आपके चेहरे पर खुशी का गुलाब खिला हुआ। शुक्रिया। सुनो, कागज तो देती जाओ। मैं अभी तक इसमें से ढूंढ रही हूँ क्या है। कागज वापस कर दो डार्लिंग। ये मेरा अभी वो पता जानू। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, तुम हमेशा मुझे क्यों हर बात में टोकते रहते हो? मैं निपटा दूंगा हफ्ते में। मैं कुछ ही दिनों में। और मैं कुछ पलों में। मुझे ये कॉमिक्स दिखाना। ये कॉमिक्स नहीं है, ये न्यूयॉर्क ट्रिब्यून। लगता है मछली लपेटने वाला है। पत्रिका बड़ों के लिए होती है, तुम ये खेल पढ़ो। मैं भी आलसी और कलाकार आदमी हूँ। सच? मुझे नहीं पता था।
मैं एक जिंदा दिल, मेहनती और सच्चा इंसान हूँ। ये क्या? अरे कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? कुछ कहा तुमने? मैंने मैंने कुछ नहीं कहा। वो अंदर है सर। सॉरी आप अंदर नहीं जा सकते सर। सर आज खुश तो बहुत होंगे। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुमने यूएस जिम को फिर खड़ा कर दिया। हाँ मैं क्या कर सकता था, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मुबारक हो, तुमने संसार को ध्वंस करने की ठान ली है। सुनो ब्रायन, ये सब किताबी बातें हैं। मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। ब्रायन तुम अपने आप को संभालो, पागल हो गए। क्या करोगे तुम, मुझे जान से मार डालोगे या हवा में उड़ा दोगे? मैं किसी को बुलाऊं? नहीं जाओ तुम। ठीक है। उन तटों में भूकंप कई बार बार कर चुका है जहां कभी महाद्वीप हुआ करता था। अब तो ये बातें बिल्कुल साफ है दोस्त। ब्रायन तुम साबित नहीं कर सकते। हो सकता है अभी ना कर पाऊं, लेकिन अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है और भी भूकंप के झटके होंगे साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के द्वीपों पर। मैंने एपी और सीएनएन को खबर कर दी है, सही समय सही जगह और मैग्नीट्यूड के बारे में। मैं ही एक ऐसा सूत्र हूं, जब भी ऐसी घटनाएं घटेंगे वो मुझसे बात करने के लिए उतावले हो जाएंगे और उन्हें मुझसे बात करनी ही होगी। और तुम अब भी वक्त है एलन उसे रोकने के लिए। हमें बात करनी चाहिए। हम लोगों ने सोचा है कि यूएसडीएम के दूसरे अध्याय पर काम करें जो वो हैनान केंद्र पर है। चाइना? हाँ, टोंकिंग के निकटवर्ती द्वीप पर, जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। हमारे आरएनडी से यह संकेत मिला है कि हमें गाड़ी तैयार मिलेगी हमारे पहुंचने से पहले ही। तुम्हें पाकर अच्छा लग रहा है। मैं उस आदमी से मिलना चाहूंगा जिसने मेरी खोज की नकल करने की कोशिश की है। सचमुच दिलेर गधा होगा वो। गधी है। हाय, ये ब्रायन गुडमैन है और आप हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड डॉक्टर एलिस साउंडर, MIT। ठीक। हाँ, मैंने आपके कुछ लेख पत्रिकाओं में पढ़े हैं। सच? अच्छा लगा। आपको कैसे लगे वो? सब अधूरा सा है। ये एक संपूर्ण समय के साथ जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। 3:39 में खदान की खुदाई, 4:05 में सुनामी जापान के दक्षिण तट को धक्का मारेगी। भूकंप हो सकता है यहाँ तटवर्ती इलाकों के बिखराव और यहाँ फैलाव के कारण। हाँ, प्रशांत महासागर का इलाका। मेरा गणित ये कहता है कि हमारे हाथ में 48 घंटे हैं और दूसरा भूकंप का धक्का मारने से पहले जो शायद मध्य अमेरिका के आसपास यहाँ उभरेगा। अगर ये होता है तो हम 48 घंटे में ही जान जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो तुम एक प्रार्थना भी कर लेना। परिस्थिति अगर बुरी हुई तो ये इलाके की जानकारी का अच्छा नमूना होगा। या कह सकते हैं कि समय है मैं बनाने का धंधा शुरू करने का। क्या ये हो सकता है? ये किताबी बातें हैं, बाकी सब प्रेशर से बाहर है। पहले भी ऐसा ही हुआ है। शायद हो सकता है या नहीं। ठीक है, पर आप दो जीनियस इस मामले में क्या कर सकते हैं? करना क्या है, हैनान से 2 गाड़ियों को लेकर हम इन कुओं को खोदना शुरू करेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ, जिससे टेक्टोनिक प्रेशर से इन प्लेटों को धक्का ना लगे। सब मुझे ही बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, पर मुझे इसकी जरूरत है। ठहरो, तुमने सही जगह को छेड़ा है। पृथ्वी की तह जो है इंजन की तरह है, जो न्यूट्रल है और ठहरा हुआ है। ठीक है, अगर हम खोदना शुरू करते हैं तो वो गड्ढे बाकी के इलाकों को भी धक्का मारेंगे, जेट इंजन की तरह, डायरेक्शनल प्रोपल्शन की तरह। जैसे इंजन न्यूट्रल से ड्राइव पर ले आते हैं और इंसुलेशन शुरू होता है और तब ठीक है। जादूगर जी, ये सब एक जादूगर के लिए था। अच्छा जादूगर जी, क्या आपके पास कोई सुझाव है बढ़िया सा? मैं सिर्फ अच्छा सोचता हूँ।
हम लोग कितनी गहराई में हैं? लगभग 300 मीटर। न्यूक्लियर बॉम्ब? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन हमें एक नहीं कई सारे बॉम्ब चाहिए। हमें हर प्लेट पर तय करते हुए बम लगाना होगा जिससे वो एक के बाद एक लग सके। किस तरह कतार में बम लगाकर तुम काम करोगे? चेन बनाकर फाइबर ऑप्टिक के साथ जोड़ना होगा जिससे सब टेक्टोनिक वेवफॉर्म तैयार हो और वे एक के बाद एक सागरीय प्लेटों को कई मीलों तक सेकंडों में अलग कर दे, तुम्हारा अंदाजा है उससे क्या होगा? वो प्लेटों को जावा ट्रेंच में धकेल देगा जिससे आग शांत हो जाएगी। वाह बिल्कुल वो काम करेंगे। हाँ ऐसा है, लेकिन इस तरह का डिवाइस हमें कहाँ से मिलेगा न्यूक्रस? अभाग्यवश मैं ये सब नहीं जानता। उसकी चिंता मत करो। इधर से तुम कैसे बंदोबस्त कर पाओगे? अपने बीजिंग के दोस्तों को एक फोन घुमाऊंगा और जो कुछ चाहिए हाजिर करूंगा। अरे हाँ, कुछ और लोग भी हमारे दल के लिए। ठीक है। और ये रहा वो। ये तो कमाल का है। तारीफ के पुल बांधने से ही कोई तारीफ के काबिल नहीं हो जाता है। अगर तारीफ के काबिल हो तो क्यों नहीं करनी चाहिए? धन्यवाद। सचमुच अच्छा है। चलो सब काम पर। तुमने इसमें काफी सुधार किए हैं। हाँ, मुझे 6 महीने लगे तुम्हारे प्रोजेक्ट डाटा और नोट्स को निकालने में, और अगला 1 साल लगा तुम्हारे डिजाइन के तरीकों को समझने में। प्रैक्टिकल इंजीनियर। थैंक यू। ये तापमान पर थे? हाँ हाँ, लंबे वायुयान जैसा है, सिर्फ रासायनिक उन्नति की गई है। ये गति को लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाता है। इनके साथ कम्युनिकेशन कैसे बरकरार रखती हो? मैं इनकी तस्वीर को नजदीक लाती हूँ और खुदाई का वक्त पता लगाती हूँ। दो कप कॉफी और बंधन अच्छा है। पुराना तरीका, लेकिन भूतत्व के विभिन्न साधनों के जरिए यही सबसे उत्तम तरीका है। बहुत अच्छा है। तुम कैलटेक में गई थी क्या? मेरी सारी पढ़ाई MIT से हुई है, मैं क्यों इतनी घटिया इंस्टीट्यूट में जाने लगी? ठहरो, ये फ्लैश क्यों कर रहा है, देखो जरा। नहीं, मुझे नहीं पता, यह चाइना के कारीगर द्वारा उन्नति की गई है। नहीं, तुमने मेरे सवाल का सही उत्तर नहीं दिया। मैं बताता हूँ, ये धमाकेदार बोर्ड्स की परत जो चढ़े हैं USDM के पीछे क्यों? उन्होंने बताया चलने का काम करती है। खुदाई के यंत्र में चलने जैसी क्या बात है? देखो, ये सीधा साधा तरीका था, इसलिए मैंने उसे अपनाया। एले ने सिमुलेटर ऑनलाइन तैयार कर लिया, तुम उसकी गति पर ध्यान दो। मैं 12 घंटे अपने दल के साथ काम करूंगी। बहुत अच्छा, उससे फिर 8 घंटे शोध कार्य पर रहेगा और 12 घंटे बम बांधने के लिए। और आखिर तक ATA कितना होगा? वो लोग तैयार होंगे 5 घंटे में बीजिंग से यहाँ पहुंच जाएंगे। क्या कह रहा था? बम लगाने की बात। ठीक है, उससे 12 घंटे विस्फोट से पहले मिलेगा और 2 घंटे उसकी सलामती के लिए। 2 घंटे? गुड मॉर्निंग जेंटलमैन एंड लेडी, मैं आप लोगों का परिचय कराता हूँ। डॉक्टर चैंग फिजिक्स, डॉक्टर लू भूकंप शास्त्री, डॉक्टर ली विस्फोरण। आप लोग एक दूसरे को जान लें क्योंकि साइमन, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या है? कौन है ये लोग? ये तुम्हारा दल है। ये मेरे लोगों का क्या हुआ? इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और सिक्योरिटी साफ सुथरी है। सिक्योरिटी साफ सुथरी होने के साथ ट्रेनिंग का क्या संबंध है साइमन? ब्रायन, ऐसा नहीं, अगर ये काबिल ना होते तो हम इन्हें नहीं जोड़ते।
ये सब हमारे पुराने मिशन के लोग हैं। सब जानते हो क्या हश्र हुआ था। मिस्टर लू, आपको उन तत्वों को बारीकी से लगाना है और चाप का परीक्षण करना है, ठीक है? इस जगह के साथ साथ विस्फोट होगा, एक जगह को धकेलता हुआ दूसरे को कतार से कतार जोड़ता हुआ निकल जाएगा, समझ गए ना? जी सर, मिस्टर गुडमैन। ठीक है, अब चैंग साहिबा, आपको उन तत्वों के सही वितरण को ढूंढ निकालना है। क्या बोल रहा है ये? मैं समझाया था उनसे इज्जत से बात करना। हाँ मिस्टर गुडमैन। देखिए, आप लोग मुझे गुडमैन कहना छोड़ दीजिए, मैं ब्रायन हूं, मुझे ब्रायन बुलाइए, ठीक है? हाँ मिस्टर गुडमैन। हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। मिस्टर ली, आप बॉम्ब लगाकर चले जाएंगे जैसा कि हम कहेंगे आपसे। जब एक छोटा सा बटन आप दबाते हैं तो एक धमाका होता है, और इस धमाके से छोटी सी खुशी के लिए आप मानते हैं इसको? ब्रायन, क्या बोल रहा है ये? सुनता रहा जो बोल रहा है। नहीं, बस मैं पूछ रहा हूं मिस्टर ली, समझ रहे हैं आप? जी सर मिस्टर गुडमैन। क्या कहते हैं, ख्याल अच्छे? जी सर मिस्टर गुडमैन। मैं अभी आता हूं। मैं अभी आती हूं। ये सब क्या हो रहा है मैडम? क्या हो गया? कहां से ये नमूने पकड़ कर लाया हो? हिंदी के नाम पे कुछ भी नहीं आता इन्हें। वे थोड़ी बहुत समझ तो लेते हैं पर बोल नहीं पाते। वैज्ञानिक भाषा उन्हें सिमुलेटर के जरिए समझाओ। इस तरह कैसे चलेगा? तुम्हारा अंदाजा गलत निकला, इक्वेटर हो चुका है, अपना समय नजदीक। मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? देखो, मेरे पास वक्त नहीं है उन लोगों को समझाते रहने का। या तो मेरे लोग रहेंगे या कोई नहीं रहेगा। तुम चाहो तो उन नमूनों को चार्ज दे सकती हो। जाओ यहां से। क्या मैं चार्ज देने के काबिल नहीं हूँ? देखो, ये सोचने का वक्त नहीं है। अगर तुम इसका साथ नहीं दे सकती तो कोई दल ही नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर दल में नहीं हूँ। रुको रुको, ऐसा नहीं, नहीं है। मैं अपने कमरे में हूँ। एक्वाडोर कहाँ है? क्वीटो। क्वीटो, मैं यही सोच रहा था। क्या तुम सैंडर्स को हमारे मिशन से बाहर निकालना चाहते हो? क्यों, तुम्हारा काम हो गया क्या? उसने ही ये मशीन तैयार की है। वही एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो मैं नहीं हूं। तुम कभी कभी मुझे चौंका देते हो। मुझे नहीं पता था। खैर, मैं अब इससे जिंदा बाहर आना चाहता हूँ। मेरा मतलब है दुनिया को और सब कुछ बचाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को भी इसे दूर रखना चाहता हूँ। उस भूकंप के मैग्नीट्यूड का क्या हुआ? 7.8। तुम्हारे दिमाग में कोई और है? हाँ, असल में कुछ लोगों को जानता हूँ मैं। भर गया है। ठीक है, यही आखिरी है। या तुम रॉडनी डिबे करो। डिबे कर, बेटा कर, बेटा कर, बेटा कर, बेटा कर। क्या तुम हो? नहीं, रोडनी बेडेकर कमरा नंबर 5 में है और ये 8 है। तुम लोग भी पियोगे? मुझे मेरा पतलून तो पहनने दो। तुम लोग कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ। मैं रहूंगी रोडनी, जल्दी आ जाना। छाले पड़े इनको। चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, अब
मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ गाने सुने नहीं आए आप लोग। कौन? मैं सॉन्ड्रस। दरवाजा खुला है। आए। देखो मैं मुबारकबाद देने आई हूं। अच्छा शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं थी। मैं सब कुछ सही सही करना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं तुम मुझे अपने दल में क्यों नहीं लेना चाहते। मैं इसलिए आई हूं कि तुम्हारा मन बदल सकूं। तुम दल में हो? मैं हूं। एलन ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, मुझे लगा कि यह विज्ञान का पहला पाठ है। कोई बात शक पर मत छोड़ो। उन्हें तुम्हें सिखाया नहीं MIT KY MOUSE? ठीक है, पर मुझे मिशन में क्यों चाहते हो? क्यों? क्योंकि हम तुम्हें चाहते हैं। अब जाओ और सोने की कोशिश करो। देखो हम सॉरी, मैंने तुम्हें जगा दिया। ठीक है, थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। बत्ती बंद। ए, ब्रायन ने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? क्यों परवाह करते हो? आंखें खोल कर देखो, एक दूसरे की जिंदगी जियो। कौन सी जिंदगी? जिसे हम जानते ही नहीं। जेंटलमैन, अब आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हम पहुंचने वाले हैं। अरे सुनो, क्या इस इलाके के हम और चक्कर नहीं लगा सकते? संभव नहीं है। बुरा मत मानना, ये मजाक कर रहा है। नहीं, मैं नहीं हूं। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम स्वार्थी हो गए हो। ठीक है, अब हम उतर सकते हैं। चलो उतारो उस पेन को जर्नल, हमें बहुत से काम करने हैं। मोर से, किसने तुम्हें दल बदलने का अधिकार दिया? अगर नहीं देता तो गुडमैन निकल जाता। गुडमैन ही अकेला आदमी नहीं है, मेरे पास बीजिंग में दो शिक्षित आदमी है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। ये सिर्फ उस मशीन को चलाने की बात नहीं है, उन बारूदों को सही जगह पर बिठाना पड़ता है और ब्रायन ही ऐसा आदमी जो इसे जानता है। क्या और इस काम में उसे दल के सभी के साथ तालमेल बनाकर चलना पड़ता है, यही वजह है। मुझे बताना चाहिए था। बताऊं? तुम क्यों नहीं बीजिंग में भी एक फोन लगाते और पूछ लेते हो कि क्या हो रहा है? हम उनके साथ काम करते हैं। नहीं, तुम उनके लिए कठपुतली बन गए। ये लोग कौन है? कारीगर है, गुडमैन द्वारा चुने गए। यह तुम्हारा काम नहीं है। सैम, इनके पास न्यूक्स है। हम लोग न्यूक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी फिटिंग और फिनिशिंग देखो, वो तुम्हारे लेक्यों से बढ़िया हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे पता नहीं था मैं इतनी बेवकूफ थी। बच के, उनके सामने नहीं, CHI NESE। सुनिए, आप जरा हटकर खड़े होंगे। हिंदी बोल लेते हो? हाँ, मैं हिंदुस्तान में पढ़ा हूं। अच्छा है, हिंदुस्तान में काफी अच्छे स्कूल हैं। काम तेजी से हो रहा है? नहीं, आसानी से नहीं, क्योंकि हमें 2 साल तो डिजाइन पर लग गए थे। मैगजीन वगैरह से काफी सहायता ली गई। इसके अलावा 100 मेगाटन इस पॉड को नीचे दबा हुआ है। धमाकेदार बोर्ड का यही तो अस्तित्व है।
हाँ, आप उस पॉड को तभी गिरा पाओगे जब वो काउंटडाउन के बाद कतार में लग जाएगा। तो डॉक्टर गुडमैन, हमें जाकर उसकी जांच करनी चाहिए। जरूर, शुक्रिया। मैं सिर्फ अंधी ही नहीं, मैं बेवकूफ भी थी। अपनी तारीफ खुद मत किया करो। मैंने यूएसडीएम को कभी शस्त्र के तौर पर नहीं सोचा। हाँ, उन लोगों ने सोचा था। अच्छा ही तो है, इसे तुम सबमरीन के तौर पर सोच सकती हो, पर कितना है कि वो समुद्र में चलने की बजाय जमीन पर चलेगी, और क्या। हे भगवान, तुम जानते हो इसका मतलब? हमें ये सब नहीं जानना चाहिए। अगर उन्हें पता लग जाए कि हम सब कुछ जानते हैं तो मॉरिसी और उसके चाइनीज पार्टनर हमें जीने नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता कि एलन को इससे कुछ लेना देना है। कुछ तो सोचो गुडमैन, उसको कैसे इस बारे में पता नहीं होगा। मैं उसे बहुत समय से जानता हूँ। वो बड़ा सपना देखता जरूर है, पर वो पागल नहीं है। मैं आखिरी बार चेकिंग करके आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें समझा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके बाय। हमारे चाइनीज दोस्त अब क्या चाहते हैं? हमारी पिछली डील से वो खुश नहीं हो पाए। मैं एक बात तुम्हें बता देता हूं मौर्सी, यूएसडीएम उनके लिए एक मूल्यवान खजाना है। जब तुमने उनके आदमियों को निकाला, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब तुमने उनके आदमियों को निकाला, वे निराश हो गए। जब वे निराश हो जाते हैं, कोर्ट के दरवाजे नहीं जाते, वो तुम्हारे भेजे में गोली दाग देंगे। तो वो इस बारे में हमसे क्या चाहते हैं? हमसे नहीं, तुमसे। तुमने बिगाड़ा है, तुम ही संभालो। देखो मौर्सी, वो पैसों के अलावा भी कुछ हासिल करने आए थे, वो तुम जानते हो। देखो, तुम एक पुराने कुत्ते को दो चार नहीं कला सिखा सकते हो। हाँ, TK 431 और एक 1138। अब C4 में वापस जाना हमारे लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि तुम लोगों से खेल रहा हूं। हेलो विन, तैयार है एलन? मैं भी आ रहा हूं ब्रायन। नहीं तुम नहीं। देखो ये मेरी मशीन है, और मैं नहीं गया तो कोई नहीं जाएगा। देखो हमारी टीम में शामिल हर इंसान को यह शिक्षा प्राप्त है, और यह जरूरी भी है, समझे तुम? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं कि हर कोई जिंदगी में मुझे ही धोखा देता रहे। मेरा बाप, मेरा भाई, तुम, मतलब मैं ये गलतियां कर चुका हूं। अब मैं इस टीम का एक हिस्सेदार रहूंगा, सीधी सी बात। तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, मुझ पर एक उपकार करो। उपकार यह है कि मुझे अपने साथ ले लो। ब्रायन, इससे पहले मैंने तुमसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगा। तुमने पहले भी मुझसे कुछ मांगा था। हाँ, वो पढ़ाई में नकल किया, उसे मत गिनो। मिशेल का फोन नंबर जो मैंने तुम्हें दिया था। हाँ, पर वो कोई उपकार नहीं था, मानो मेरी बात। धन्यवाद दोस्त। ठीक है, चलो साहब, इस खेल की शुरुआत करते हैं। गिनती शुरू करो। जी सर।
बाथरूम तो नहीं जाना है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। सैम, विवरण दो। 93% गीली मिट्टी और थोड़ी सी ऑब्सीडियन, उसे सतह बनाए रखने के लिए। चालू करो। तुम्हारे अनुसार हमने बर्ड से भरी हुई पार्टी शुरू कर दिया। वाह बढ़िया है, घुमावदार। चलाओ। डिग्री तक ले जाओ। गति और दिशा बताओ। एक घंटे में 8 मील की गति है उत्तर से उत्तर पश्चिम। रॉडी केबिन प्रेशर जांच करो। हाँ मैं देख रहा हूँ। सैम तत्व बोलो। ग्रेनाइट 77%, 10% कीचड़ और हाँ 20% निकल भी है। ओह कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्टार्ट बोर्ड की तरफ आ रहा है, गला हुआ तत्व। ठीक है, लेवल पे अंदर। गहराई 4.3 किलोमीटर 17 केपीएच पर। हेले पॉइंट की तरफ आ रहा है, देखो 3, 2, 1। रोडी तुम आराम करो। अरे इतने जल्दी मेरी छुट्टी? लात मारूंगा अगर फालतू की बातें की तुमने तो। जी सर। क्यों प्यारे पंछी, चढ़ाई पसंद आई? हाँ हाँ यार। बम गया। अब आएगा असली मजा। हिसाब 70% बाहरी, 85, 97 और वो रुक गई है। सैम मुझे सतह का विवरण बताओ। 92% ग्रेनाइट, 4% रेती मिट्टी, एक सतह है 0.004 पर। एलन वहां की गहराई की रीडिंग तो बताओ। हाँ हाँ सॉरी, ये 4.8, 4.81। क्या? 4.8 4.83, 4.84, 86। रॉडी केबिन प्रेशर को बंद करो। धीरे चलो, हम लोग एक पॉइंट की सतह पर हैं। मैंने कहा प्रेशर बंद करो। 1, 2, मैं देख रही हूँ। मुझे लगता है मशीन काम नहीं कर रही है, दिमाग इस्तेमाल करो। तुम्हें गहराई का पता, हिसाब लगाओ। मैं हिसाब देख लेती हूँ। वक्त नहीं है, प्रेशर बंद करो। वो लोग 4.89 पर हैं। पहले ही जरा मुझे आंकड़ा बताओ। 1.6। मैंने फिक्स कर दिया। दो नंबर और आगे बढ़ गए। कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या था? I'm sorry, मुझे नहीं पता। ठीक है रॉडी, तुम जाओ। मुझे पता नहीं क्या हुआ है।
हमें देखना पड़ेगा। मुझे जानकारी चाहिए। वो लोग दूसरे हिस्से में काम कर रहे हैं। गुडमैन, वो गाड़ी कैसी चल रही है? थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था, कोई भूकंप जैसा पूर्वाभास दे रहा था आपके वहां। दक्षिणी चाइना के समुद्र में छोटा मोटा हलचल दिखाई दिया, वरना पूर्वाभास कुछ नहीं। पूर्वाभास कुछ भी है, देखिए आप लोग सही आंकड़ा देते रहिए, ठीक है? तुम अपना काम करो, मेरी छोड़ो। ठीक है, पर हमें हलचल के बारे में जानकारी चाहिए। आप समझ गए होंगे। अरे यहाँ तो डच प्रेम से भी ज्यादा गर्मी है। रॉडी, वो गर्म परते सब बंद है ना? हाँ सब बंद है। तब इतनी गर्मी क्यों है यहाँ? तापमान चक्र ठीक ठाक घूम रहा है। सैम, क्या तुम मुझे बाहर का तापमान बताओगे? 240 डिग्रीज। इन लोगों के मुताबिक सब कुछ बंद है, लेकिन फिर ये गड़बड़ क्यों? सारी मशीनें बंद कर दो अभी के अभी। उन्होंने क्यों रोक दिया? मुझे पता नहीं सर। गुडमैन, ये सब वहां क्या हो रहा है? एक मिनट देखता हूँ। सैम, ये सब क्या हो रहा है? लगता है कुछ फन जैसी चीजें यू ज्वाइंट को तोड़ दिया। क्या मुझे जोड़ सकते हैं? पता नहीं, बहुत खराब हालत में। अले, कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई है, एक पहिया टूट गया है। मुझे साउंडर्स और बाकी के लोग उस काम के लिए चाहिए। समझ गया। हाँ, चलो। समझ गई, मैं जा रही हूँ। मैं जा रहा हूँ। नहीं जा सकते तुम। भगवान के लिए, मैं भी शामिल हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है रॉडी, मैं तुमसे सहायता करूँ। हाँ जरूर। सुनो, वहाँ की दीवारों में गर्म तत्वों का ध्यान रखना। लावा जैसा ना? मुझे अच्छा नहीं लग रहा इन्हें देखकर। ध्यान रखना अपना। एलन, तुम वहाँ केविन के प्रेशर पर ध्यान दो। का समय नोट कराओ। गुडमैन, कितनी देर लगेगी? और मुझे क्या मालूम। तब तक ऐश करो। बाप रे, कितनी गर्मी है यहां। करो, पूरा दिन लगाओ, बाकी मिस्टर विजर्ड अपनी कलाकारी दिखाएंगे, ठीक है? मैं समझी थी वो डॉक्टर विजर्ड है। रॉडनी, मुझे वो स्पीड जोड़ देना। धन्यवाद। बकवास। क्या हो गया? ठीक नहीं लग रहा। 200 किलोमीटर नीचे और वहां पे चेक टीम बचाव नजर ही नहीं आ रहा है। वो देखो। सही कह रहे हो, कांटा हिल रहा है। सही है। उसके बाद पता नहीं क्या। यहाँ पर ठीक है। हाँ हाँ,
और ये जो हमने यहाँ से देखा था फैलता नजर आ रहा है चारों तरफ। दो मुझे दो बात करो। ठीक है दोस्तों आप वापस आ जाओ दोनों। बस हो गया एक मिनट और। पीछे जाकर दूसरे पहियों को चेक करता हूं। कभी भी फट सकती है। देखो मैं कहता हूं अभी भी वहां से बाहर आ जाओ तुरंत। हे भगवान फिलीपींस में पिनाटुमो पहाड़ उड़ गए। उन्हें वहां से जाने को कह दो। ब्रायन दरवाजा मत खोलो। ब्रायन वो लोग मर चुके हैं। ब्रायन तुमको ये जहाज बचाना है। ब्रायन संपर्क करो। मेरे घर आपके लैपटॉप फंस गए। शॉर्टेज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हमें जाना होगा। मुझे खुद ही उन्हें ढूंढना होगा। गुडमैन वापस आओ। गुडमैन जो भी डॉक्यूमेंट में वापस आ जाओ। यूएसडीएम से बोल रहा हूँ। यहाँ पर मामला गंभीर है सुलझा रहा हूँ मैं। मॉरिसी मैं चाहता हूँ कि वो गाड़ी वहाँ से अभी के अभी हटा दी जाए। हम अपने आदमियों को नहीं छोड़ते। मॉरिसे तुम सुन रहे हो? मॉरिसे मॉरिसे निकलो वहां से। ये गाड़ी खराब हो चुकी है और आप उसे वहां से नहीं ला सकते सर। लड़की मर गई वहां से निकलो। मॉरिसे ठीक है ब्रायन। ठीक है चलाओ उसे। चलाओ सर वेरी फास्ट चलाओ। निकल चुका है। हाँ लावा का बहना बंद हुआ। इस वक्त वो 3 नंबर पर है। ठीक है उसे बंद कर दो। बेडेकर सचमुच दिलेर निकला। हाँ सचमुच सबसे अच्छा। मैं बोल रहा हूं गुडविन मैं साइमन हूं। क्या गड़बड़ी हो गई थी? रोटरी नहीं रहा। माउंट पिनाटुबो उड़ गया है। क्या माउंट पिनाटुबो? इसका मतलब हम सही वक्त पर बाहर आ गए। उस गाड़ी का कोई नुकसान हुआ?
नहीं, सब ठीक ठाक है। कमाल के पार्टनर से तुम्हारे, जो सिर्फ यंत्र की सलामती तो सोचते हैं, जिंदगियों के बारे में नहीं। मुझे ये जानकर हैरानी हो रही कि यह सिर्फ चाइनीज व्यवसाय ही नहीं, शायद मुझे पहले पता था पर मैंने अपनी आंखें बंद रखी, ये चाइनीज गवर्नमेंट की है। भगवान, हालांकि मैं यूएस गवर्नमेंट का बड़ा भक्त नहीं हूं, फिर भी इस मामले में देशद्रोही कहलाओगे। वो चाहते क्या है? चाहते? हाँ, वही ये मिशन को सफल होने के साथ साथ उस जहाज पर कब्जा जमा लेंगे और अस्त्र के तौर पर व्यवहार करेंगे। हाँ, क्या कोई ऐसा जरिया है जिससे वो हमारे न्यूक्लियस के बारे में कुछ ऊपर से जानकारी हासिल कर सकते हैं? ना, वो सिर्फ फाइबर ऑप्टिक के जरिए देख रहे। मैं उसे अभी काट देता हूं। नहीं, ऐसा मत करना। एक सेफ्टी लाइन उनके पास है, अगर ये लाइन डेडमैन ट्रिगर कट जाती है तो उन्हें 5 मिनट में जानकारी हो जाएगी और हम धमाके के स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यह संदेह तुम्हें पहले कभी नहीं हुआ? मेरी पीठ दीवार पर लग चुकी थी ब्रायन। हमें तुरंत कुछ करना पड़ेगा, समय निकलता जा रहा है। ठीक है, कोई तो उस न्यूक्लियस की रक्षा करेगा। मैं संभाल लूंगी। तुम्हें उस स्टेशन पे रहना बहुत जरूरी है सैम, तुम भी। हम लोग अब जिंदगी की सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे भी चलना पड़ेगा। खैर, अब कोई चारा भी नहीं है, हम निकल पड़ते हैं। उस दाना को तुम संभालो। हाँ, वो तो संभालूंगी ही। डिवाइस नंबर 3 शुरू किया जाए। डिवाइस 3 शुरू। एक मिनट, लाइन में रहिए। आपके लिए बीजिंग से। मैं अपने रूम में उठा रहा हूं। मिस्टर साइमंस, मुझे विश्वास है सब ठीक ठाक है। जी जी, सब ठीक है। यहाँ कुछ तकनीकी समस्याएं आ गई थी जो मिटा ली गई हैं। 4 में से 3 डिवाइस चालू हैं। बाकी सारी तकनीकी समस्याओं का क्या हुआ? उन्हें भी सुधारा जा रहा है। हमें बहुत ही मायूसी होगी अगर वो गाड़ी हमारे हाथ में वापस नहीं आई तो। बहुत ही मायूसी होगी। मैं आपको वादा करता हूँ कोलोनल, अगर ये यंत्र हमारे हाथ नहीं लगा तो किसी का भी नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मिस्टर साइमंस, आपके हाथ। ब्रायन, एक मिनट, देखो क्या बात है। वो जनरेटर काफी कुछ मिटा सकता है ना? उम्मीद तो है। क्या क्या तोड़ सकता है? ज्यादातर ठोस पदार्थ जैसे कि एमराल्ड, टोपाज, करंडम, कार्बन, कोयला। हाँ, पर डायमंड नहीं। फिर तो समस्या सामने। क्यों? हाँ, अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय है। हाँ हाँ। अब क्या करें? मेरी तो समझ में नहीं आता। कुछ नए पदार्थ हैं सर। बहुत फैला हुआ है। अगर क्वार्ट्ज से तो तोड़ा जा सकता है। ओह, ये क्वार्ट्ज नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मैं एक औरत हूँ ना। प्रमाण के लिए हमें वहां से सैंपल आना होगा। कितनी देर लगेगी? यह तो पता नहीं, उसके आसपास चक्कर काट कर आने से कम समय लगेगा। सैम जी,
हमारे साथ नहीं है। कितना वजन होगा? करीब 15 पाउंड। ज्यादा उत्तेजित मत होना मेरे प्यारे दोस्त, बोलना नहीं शायद वो हमें मिलेगा नहीं। एक और समस्या आ गई है। वर्तमान स्थिति से साफ जाहिर है कि इससे उभरने में हमें 11 घंटे लगेंगे। बहुत अच्छा, तब तक तो पूरा शहर समुद्र तट में बदल जाएगा। बोलो। मुझे विस्तारित विवरण चाहिए, पूर्ण विवरण चाहिए। कैलिफोर्निया से खबर मिली है कि वहाँ तटवर्ती इलाके में बड़ा सा भूकंप आया है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है गुडमैन। कैलिफोर्निया की तुम्हारी भविष्यवाणी सच निकली। तुम्हारे हाथ में काफी समय है तुम्हारे दूसरे दो डिवाइस चलाने के लिए। मुझे उन इंजनों का कुछ हिस्सा जलाना पड़ेगा ताकि उन्हें हम समय पर उपयोग कर सकें। तुम्हें जो करना है वो करो, पर हमें बताते रहो। मिस्टर साइमंस, हमारे सामने एक बड़ी समस्या है, फाइबर ऑप्टिक्स की व्यवस्था। ऐसा क्यों? वो रास्ता अपना कर बॉम्ब लगाने से पहले वह केबल को उड़ा सकते हैं। कितना बाकी है? 17 किलोमीटर। अगर वो पूरी गति से काम करे तो 1 घंटे से कम लगेगा। हमारे काउंटडाउन से पता लग सकता है। किसने साइन किया था? किस पर सर? इसी कागज पर, फाइबर ऑप्टिक वाले। किसने साइन किया है? कॉलोनल पोन है। पक्की खबर है? हाँ, कुछ गड़बड़ है। नहीं, अगर हम न्यूकस को ठीक तरह से नहीं बिठाते तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। क्या लगता है, इंजन इतना प्रेशर ले सकता है? हाँ, ले सकता है। हम लोग उसे मजबूती दे रहे हैं, पर वो इतना लंबा चलना चाहिए कि धमाके को सहन कर सके। हम अभी 4 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है एलन, ब्रेक खत्म होता है। हाँ ब्रायन। मैं सवार हो चुका हूं। प्रोडिकर कहां है? मुझे वो संयोग वाला कैमरा दो और पॉड तक ले चलो। लगा देता हूं। मॉरिसे, घबराओ नहीं, वो लोग मुझे देख भी नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं। तुम क्या चाहते हो डेरिल? हमारे सामने एक समस्या है जो हमारे बीच की पार्टनरशिप को तोड़ सकता है। जब तुमने ये बता ही दिया, पार्टनरशिप तोड़ देना ही बेहतर होगा। तुम चाइनीज का साथ दो और मैं अपना धंधा अलग करूंगा। तुम अपना व्यवसाय कहीं नहीं ले जा सकते हो। यह खिलवाड़ बंद करो डैरिल। मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूं। ये देखो, वो डिटॉर जो तुम्हारे हाथ में था आज मेरे हाथ में है दोस्त। ये क्या? ये क्या हो रहा है? स्टार्टअप के लिए उल्टे गिनती शुरू करो। अरे फौरन इस घंटी को बंद करो। उस गधे का औलाद ने फाइबर ऑप्टिक्स का केबल काट दिया, वो वहीं गया था। इस बात में कोई दम नहीं है। सब कंट्रोल पे बैठो। हाँ।
अब तुम क्या सबकी जान लेना चाहते हो? पता नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी की बाजी हार चुका हूं। चलो निकलो इसे। नहीं नहीं, मैं ये निकल सकता। मैंने कहा निकलो यहां से अभी के अभी। छोड़ो ब्रायन, निकलो, छोड़ो ब्रायन मुझे। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? मार डालोगे मुझे तुम? हम सबको मारना चाहते हो? तुम मुझे अभी तक विश्वास नहीं करते। मुझे अकेला छोड़ दो ब्रायन। कभी नहीं। चुप रहो और एक बार के लिए मेरी बात सुनो। मैं तुम सबको इन 20 मिनट में खरीद सकता हूं उसी डायग्नोस्टिक सिस्टम के जरिए, लेकिन मुझे उसके पहरे पर रहना है। यही एक रास्ता बचा है तुम सबके लिए। मर्जी तुम्हारी ब्रायन, जिंदगी में सिर्फ एक बार के लिए। हाँ, मुझे आज हीरो बनने दो। उसकी जरूरत नहीं होगी। हाँ होगी, मैं करूंगा। एलन, सवार हो गया है। मैं जाकर देखती हूँ क्या हुआ है। तुम सब क्या कर रहे हो? देखने जा रही थी क्या हुआ है। सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। मोरेसी कहाँ है? बेबी सिटिंग पर है। वो क्या? इस बारे में बाद में समझाऊंगा, पहले ये सब यहां से निकाल लूं। अब्राहम नाथ, मैं स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहता हूं। वो धारियां नजर आ रही हैं? वो मंगमा को जलती हुई तो स्पेयर से जमीन के सतह तक ले आती है। सिर्फ एक रास्ता है न्यूक्लियर धमाके से अपने आप को दूर रखने का। ऐसा मत कहो। हम लोग लावा के बहाव को सतह पर ला रहे हैं। तुम लोग क्या पागल हो गए हो? बीच में मत रखो। तुमने तापमान परत से जो डिजाइन तैयार किया है, अब उसकी परीक्षा होगी। वो इस तरह के तापमान को सहन करने के लिए नहीं है। अली सैन, आपके पास कोई और नया आइडिया है? देखो, अब 16 मिनट रह गए हैं। सैम, मुझे बेहतर लावा ढूंढ कर बताओ। जी सर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या हुआ? कोई धमाका नहीं। ठीक है भाइयों, सभी लोग सुनो, जब तक यहाँ लेवल 5 सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं हो जाता, तब तक आप इस बिल्डिंग से बाहर रहिए। यस सर। उधर समानिए, उधर समानिए। मुझे इस कमरे में सभी कागजात जमा हुआ मिलना चाहिए, समझ गए? जी सर। कमॉन कमॉन, जल्दी करो, फटाफट लेके जाओ। नाम क्या है? 2 बजे, 1 बटन। ठीक है, लो। अच्छी तरह कसके पकड़ के रखना।
बच्चा साइमन। अब क्या है? धमाका हुआ है। गार्ड है। कर्नल पो, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप यहां तक पहुंच जाएंगे। हम लोग उस दल को मना तो नहीं कर पाए, पर हम लोगों ने यंत्र को ध्वंस कर दिया है। सैटेलाइट से खबर आई है कि दोनों रशिया और अमेरिका के कुख्यात नेवी वालों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब आप क्या समझाएंगे साइमंस? आपके पास बोलने के लिए क्या रहा? यह नामुमकिन है। उस धमाके के बाद यान का अस्तित्व नरक में भी नहीं हो सकता है। जाने दीजिए मिस्टर साइमंस, ये बातें पुरानी हो चुकी है। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी गलती है? आप बोल रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स में आपने हस्ताक्षर किया था, तो आप मरो। तुम मुझे नहीं मार सकते। अच्छा, कहता है मैंने हस्ताक्षर किया था, बेवकूफ कहीं का। चलो, हिसाब से ड्रिलिंग यहाँ होनी चाहिए। मैं पुराना हूँ और मैं कहती हूँ कि ड्रिलिंग यहाँ होनी चाहिए। मुझे पीएचडी प्राप्त है।
कैश मेरे पास दो पीएसडी हैं और मैं कहता हूँ ये बूढ़ा खुसट। ओ, ये सब पुरानी बातें हैं। गलत 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 बहुत गलत हो सर। ओ ब्रायन, अब तुम लोग यहाँ आई गए तो आओ इस प्रकृति की सच्चाई को देखो, यहाँ के कारीगरी को देखो, इधर आ जाओ, मैं भूल जाओ, मैं तुमको सिखाता हूँ। ओ ब्रायन सैम, गलत है, सुंदर है, सुंदर है, कितना सुंदर है चारों तरफ, मैं हमेशा तुम्हें बहुत सुंदर हूँ, कितनी हरियाली है चारों तरफ देखो। चलो अब इस खेल को शुरू करते हैं। तुम अपना काम करो ब्रायन, मेरी छोड़ो। मिशेल का फोन नंबर जो मैंने तुम्हें दिया था। ओह, वो कोई उपकार नहीं था, उसे मत गिरो तुम। मैं चेहरा पढ़ सकती हूं। ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे उम्मीद है मिस्टर साइमंस, तुम्हारी खातिर। मुझे लगता है आप लोग को यहाँ कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे लगता है आप लोग गाना सुना ही नहीं चाहते। क्यों, क्या ये सही है?